जय श्री राम दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं एक और नर्ड के साथ वापिस। गाइज अपने BGMI के अंदर में ये जो क्लासिक क्रेड आप लोग देख रहे हो ये 8 दिन बाद जाने वाला है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्लासिक क्रेड कौन सा आएगा इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ M416 ग्लेशियर आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है क्लासिक क्रेड में इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइज अपना जो नेक्स्ट मिथिक फोर्स आने वाला है BGMI के अंदर में उसमें कौन कौन से रिवॉर्ड्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं इसका बिलीव्स आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ गाइस आप लोग को इस वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड का भी लीक्स दिखाने वाला हूँ। और गाइस आप में से काफी सारे भाई लोग अभी वेट कर रहे हो नेक्स्ट UCF इवेंट का, तो यार इसके रिलीज डेट के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा यार कमाल धमाल की और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करके, चैनल पर हमारे नए तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जो से सेट कर लेना। सबसे पहले गाइस आप देखो ये वाली लॉबी जो कि यार आप लोगों को 3.3 के अपडेट में देखने को मिलने वाला है, और ये वाली लॉबी आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकता है क्योंकि यार ये वाली लॉबी मेरे को यार कुछ खास नहीं लग रहा है। देख सकते हो भाई जहाज पे ये बंदा खड़ा है और पीछे के साइड में भाई समुद्री मॉन्स्टर देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग ये वाली लॉबी देखो जो कि शायद आप लोग को पेड में देखने को मिल सकता है। वैसे यार ये भी फ्री वाली ही लॉबी लग रही है क्योंकि यार दोनों लॉबी एक जैसे ही लग रही है। ओके तो ये भी लॉबी आप लोग को 3.3 के अपडेट में देखने को मिलने वाला है। वही गाइस यहां पे आप लोग ये वाली लॉबी देखो जो कि यार नाइट लॉबी है। ओके इसका डे वाला लॉबी अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा, फिलहाल आप देख सकते हो ये नाइट लॉबी है और नाइट और डे नाइट का भाई मोड आप लोग को देखने को मिलने वाला है 3.3 अपडेट में। तो गाइस देख सकते हो इसका यहां पे डे वाला लॉबी जो कि यार काफी ज्यादा यार मेरे को कमाल का लॉबी लगा है। ये एनिमेटेड लॉबी है, देख सकते हो यार पीछे के साइड में भाई पूरा का पूरा पानी दिख रहा है, नीचे भी पानी आगे भी पानी हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। ये वाली लॉबी मेरे को अच्छी लगी, आप लोगों को भाई कौन सी लॉबी सबसे अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी गाइस ये वाली लॉबी जहां तक मेरे को लगता है ये आप लोगों को भाई काफी सारी यूसी में मिलने वाली है। बाकी यहां पे आप देख सकते हो ये वाला सेरेन ल्यूमिना सेट जो कि यार अपना अल्टीमेट सेट होने वाला है 3.3 के अपडेट का गिल्ड सेट होने वाला है। ओके इसके साथ आप लोग को भाई एक अपग्रेडेबल स्कारल देखने को मिलने वाला है जो कि गाइस आप देख सकते हो Level 1 पे कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। वैसे यार ये वाला स्कारल जो है ना मेरे को यार काफी ज्यादा यार पसंद आया, इसका Level 2 आप देख सकते हो जो कि यार कुछ इस टाइप का है। बाकी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका Level 3, वही इसका अभी पूरा का पूरा मैं आप लोगों को लेवल दिखा दूंगा। वही इसका जितना भी लेवल बढ़ता जाएगा ना उतना ज्यादा यार ये गजब होता जाएगा। फिलहाल देख सकते हो Level 4 इसका। बाकी गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका Level 5, भाई क्या खतरनाक स्कारल आप लोग को देखने को मिलने वाला है 3.3 के अपडेट में अल्टीमेट सेट के साथ में, देख सकते हो Level 6। और भाई अभी इसका आप लोग देख सकते हो फाइनल फॉर्म जो कि काफी ज्यादा यार गजब का मिथिक स्कारल बन जाता है। बाकी गाइस अपना जो नेक्स्ट अल्टीमेट सेट आने वाला है PUBG BGMI के अंदर में 3.2 के अपडेट में उसका भाई आप लोग एंट्री मोड देख सकते हो। फाइनली भाई ये लेटेस्ट लीक्स अभी निकल के आया हमारे पास। सबसे पहले यार आप लोग को दिखा रहा हूँ यार इसके लिए अपने भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कोई भी लीक्स आप लोग को भाई सबसे पहले देखना हो तो यार आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जोर से सेट कर लेना क्योंकि यार देख सकते हो ये वाला अल्टीमेट सेट का भाई यहाँ पे इमोड में निकल के आ चुका है। और गाइज ये वाला अल्टीमेट सेट का स्पिन आप लोग को भाई PUBG मोबाइल के अंदर में 26 जून को देखने को मिल सकता है। बाकी गाइज BGMI की बात करें तो यार BGMI के अंदर में ये 7 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखो ये क्रेड जो कि गाइज शायद आप लोगों का भाई BGMI का प्रीमियम क्रेड हो सकता है। और गाइज यहाँ पे आप लोग भाई टोटल 6 रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं और प्रीमियम क्रेड में भाई आप लोग को भाई 5-6 रिवॉर्ड ही देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मिथिक आउटफिट आप लोग को इस वाले हेडगियर के साथ में देखने को मिल जाता है। मिथिक आउटफिट तो यार अपने प्रीमियम क्रेड में आता ही है, साथ ही साथ भाई लेजेंडरी आउटफिट भी दे देते हैं भाई BGMI वाले। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये जो आप लोग क्रेड देख रहे हो ये एक्सक्लूसिव BGMI वालों के लिए ही है, मतलब ये सिर्फ BGMI के अंदर में अभी के टाइम पे आ रहा है और ये BGMI वाले भाई खुद से ये वाला क्रेड बनाए हैं और ये शायद आप लोग को भाई प्रीमियम क्रेड करके भाई देखने को मिल सकता है BGMI के अंदर में, जहां पे आप देख सकते हो एक आप लोग को लेजेंडरी आउटफिट भी देखने को मिल जाता है। और भाई BGMI वालों ने भाई देख सकते हो यहाँ पे क्या बनाया है, भाई देख सकते हो पीछे के साइड से भाई ये सेट फील भी नहीं पा रहा है, मतलब क्या है भाई देख सकते हो। ये वाला क्रेड आप लोग को शायद BGMI के अंदर में प्रीमियम क्रेड करके देखने को मिल सकता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो ये क्लासिक क्रेड का लीक जो कि गाइस आप लोग को BGMI के अंदर में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। 8 दिन बाद भाई अपना भाई क्लासिक क्रेड चला जाएगा, उसके बाद भाई आप लोग को भाई ये वाला क्लासिक क्रेड देखने को मिल सकता है। और गाइस ये जो सारे रिवॉर्ड आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे ये सारे के सारे रिवॉर्ड यार PUBG मोबाइल वालों ने लकी ट्रेजर में
में दे दिया है, ना कि यार क्लासिक रेट में दिया है। तो क्या यार BGMI वाले भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये सारे रिवॉर्ड अलग से क्रेड में दे दे और क्लासिक रेट में हमें कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देखने को मिल जाए? तो यार मैं आप लोगों को बता दूं यार, BGMI वाले भाई एकदम चोर डेवलपर है ये भाई, ऐसा तो यार करने वाले नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ये रिवॉर्ड भाई जो सबसे ज्यादा घटिया रिवॉर्ड मेरे को लगा है, ये क्लासिक रेड में ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और हाँ गाइस, आप में से काफी सारे भाई लोग वेट कर रहे हो M416 ग्लेशियर का क्लासिक रेड में आने का, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई M416 ग्लेशियर जब भी भाई आएगा क्लासिक रेड में, तो भाई आप लोगों को वो विंटर के टाइम पे देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि यार पिछली बार भाई विंटर के टाइम पे इन्होंने भाई पेड क्रिएट करके दे दिया था भाई M416 ग्लेशियर और AKM ग्लेशियर को, लेकिन शायद इस बार आप लोगों को भाई विंटर में ये फ्री में देखने को मिल सकता है क्लासिक रेड में। बट यार अभी हम एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं, इसका भी कोई लीक्स निकल के नहीं आया है। जैसे ही यार विंटर का टाइम आएगा तो भाई लीक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही यार कोई लीक्स आएगा क्लासिक रेड का भाई जिसमें M416 ग्लेशियर देखने को मिले, तो यार मैं आप लोग को सबसे पहले उसका लीक्स अपने चैनल पे दिखाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। इसके बाद गाइस अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूसी अप इवेंट के बारे में। गाइस आप लोग को पता होगा कि पिछला वाला जो यूसी अप इवेंट आया था उसका मैंने भाई एग्जैक्ट आप लोग को भाई रिलीज डेट बताया था कि भाई 10 जून के बाद ही आप लोग को भाई यूसी अप इवेंट देखने को मिलेगा, और वही हुआ था 11 जून को ही आप लोग को भाई यूसी अप इवेंट देखने को मिला था। तो भाई इस बार भी जो अपना यूसी अप इवेंट आने वाला है उसका भी मैं आप लोग को भाई एग्जैक्ट रिलीज डेट बताने वाला हूँ, मतलब उसी के आस पास में आप लोग को भाई यूसी अप इवेंट देखने को मिल सकता है। ओके, और गाइस इस बार अपना जो यूसी अप इवेंट आने वाला है वो पिछले वाले यूसी इवेंट से थोड़ा ठीक ठाक यूसी इवेंट देखने को मिल सकता है, पर ये मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ही अच्छा यूसी अप इवेंट देखने को मिलेगा। पिछली बार के तरह ही भाई आप लोग को यूसी इवेंट देखने को मिलेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मतलब यार पिछला वाला जो यूसी इवेंट आया था उसमें भाई आप लोग को छोटे पैक में कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो भाई वो डिस्काउंट आप लोग को भाई मिल सकता है। एक्स्ट्रा यूसी आप लोग को भाई 6 यूसी वाले पैक में भी देखने को मिल सकता है। और गाइस अपना ये जो यूसी इवेंट आने वाला है ये आप लोग को भाई जुलाई के 1st वीक तक में देखने को मिलने वाला है। ओके गाइस, आप लोग भाई जुलाई के 1st वीक तक वेट कर लो, आप लोग को यूसी इवेंट देखने को मिलने वाला है, और इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट आगे आपको आने वाले वीडियो में हमारे पता चल जाएगा। फिलहाल भाई अभी आप लोग यही एक्सपेक्ट करके चलो कि जुलाई के 1st वीक में ही आप लोग को यूसी इवेंट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट मिथिक फोर्स का लीक, जो कि गाइस आप लोग को BGMI के अंदर में 3.3 के अपडेट में देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को टोटल 4 आउटफिट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को बता दूं BGMI के अंदर में अभी जो मिथिक फोर्स आया है वहां पे आप लोग को ये वाला फ्राइड नाइट आउटफिट देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, और इस वाले फ्राइड नाइट आउटफिट के साथ में 2 एक्स्ट्रा आउटफिट आए थे जब पबजी मोबाइल का भाई मिथिक फोर्स आया था। तो गाइस यहाँ पे आप देखो ये वाला जेस्टर सेट, जो कि गाइस आप लोग को नेक्स्ट मिथिक फोर्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस ये वाला जेस्टर सेट फ्राइड नाइट आउटफिट के साथ में ही आया था मिथिक फोर्स के अंदर में। इस वजह से भाई इसके चांसेस बन जाते हैं भाई नेक्स्ट मिथिक फोर्स में आने के। वही गाइस इसी सेट के साथ में आप लोग को भाई एक और सेट देखने को मिला था पबजी मोबाइल के अंदर में, ये फर्नेस मैन सेट। ये 2 सेट भाई फ्राइड नाइट आउटफिट के साथ में आए थे पबजी मोबाइल के मिथिक फोर्स में। तो भाई देख सकते हो ये वाला फर्नेस मैन सेट जिसका इमोट यार काफी ज्यादा यार गजब का होने वाला है। अभी देखना ये देखो भाई पूरा का पूरा कान इसका सुन हो जाता है भाई, काफी ज्यादा यार कमाल का इमोट है। तो भाई ये 2 सेट आप देख रहे हो ना, ये दोनों में से भाई कोई एक सेट आप लोग को नेक्स्ट मिथिक फोर्स में देखने को मिल सकता है, जो कि यार BGMI का नेक्स्ट मिथिक फोर्स होने वाला है। बाकी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अभी जो ये फ्राइड नाइट आउटफिट देख रहे हो इसी के साथ में एक और सेट भी आया है BGMI के अंदर में, ये चार्ज आर्मर सेट। ओके, लेकिन ये चार्ज आर्मर सेट भाई BGMI के अंदर में अभी आया ना, लेकिन जब PUBG मोबाइल के अंदर में ये चार्ज आर्मर सेट आया था तो भाई इसके साथ में 2 एक्स्ट्रा आउटफिट देखने को मिलते हैं, जिसमें से भाई आप देख सकते हो एक तो ये वाला इरिडोल सेट, जो कि गाइस आप लोग को डबल करेक्टर के इमोट के साथ में देखने को मिल जाता है। ये वाला सेट आया था भाई चार्ज आर्मर सेट के साथ में पबजी मोबाइल के अंदर में। तो भाई इसके आने के चांसेस बन जाते हैं भाई BGMI के नेक्स्ट मिथिक फोर्स में। तो देख सकते हो यार काफी ज्यादा यार कमाल का इमोट इसमें भी देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस एक और सेट देखो जो कि यार बहुत ही ज्यादा यार गजब का है, ये देखो डार्क असैसिन सेट, जिसका भाई पहले किलिंग मशीन सेट नाम था। देख सकते हो भाई इसका नेम चेंज हुआ है,
लेकिन यार इसका इमोट काफी ज्यादा यार जबरदस्त है, और पोज भी देख सकते हो यार क्या ही जबरदस्त दे रखा है। तो ये वाला सेट भी शायद आप लोगों को भाई BGMI के नेक्स्ट मिथिक फोन में देखने को मिल सकता है। बट गाइस ज्यादातर चांसेस है भाई जो मैंने आप लोगों को पहले आउटफिट दिखाया है इन्हीं के, ओके, क्योंकि यार ये वाला सेट का भाई जो इमोट है ना काफी ज्यादा यार खतरनाक है। तो यार BGMI वाले तो भाई जल्दी तो नहीं देंगे ये वाला आउटफिट, बट हाँ ऐसा भी नहीं है भाई कि BGMI के अंदर में नहीं आएगा, आएगा भाई, क्योंकि भाई जो भी यहाँ पे आउटफिट आप देख रहे हो PUBG मोबाइल के अंदर में है, ये सारे के सारे भाई रिवॉर्ड आप लोग को एक एक करके भाई BGMI के अंदर में देखने को मिलेंगे, टाइम लगेगा वर्ल्ड वाइड आएगा जरूर, ओके। और आप में से जो भी भाई लोग वेट कर रहे हो भाई कि मिथिक फोन में भाई हमें अपग्रेड गन देखने को मिलेगा, तो यार अभी इसका कोई भी लीक्स निकल के नहीं आया है, जिसकी वजह से मैं आप लोग को ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई आप लोग को नेक्स्ट मिथिक फोन में अपग्रेड गन देखने को मिलेगा, ओके। तो गाइस आप लोग अभी इसके लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि यार अभी इतने सारे आउटफिट बचे हैं कि यार BGMI वालों को भाई सबसे पहले यार आउटफिट ही कवर करना है। आउटफिट जब ये अच्छे खासे दे लेंगे तब जाके शायद भाई आप लोग को अपग्रेड गन भी देखने को मिल जाए। फिलहाल गाइस ये जो चार आउटफिट मैंने आप लोग को दिखाए हैं, इन चार आउटफिट में से भाई एक दो आउटफिट तो आप लोग को BGMI के नेक्स्ट मिथिक फोन में देखने को मिल सकता है। और आप लोग को भाई सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल गाइस आज की इस वाले वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर हमारे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और गाइस आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यार फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को मिल जाती है, और भी कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स होंगी जो कि यार मैं आप लोग को टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दिया करूंगा। फिलहाल यार आज के लिए इतना ही, मिलता है आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, जब तक लिए गाइस आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, धन्यवाद।